बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पेज 33 की रीडिंग करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन इज स्टोर्ड इन सोलर पैनल्स प्लेस्ड इन द रूफ टॉप एंड इन द स्पेशल लोकेशन एंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है दैट इज सोलर एनर्जी। अब सोलर पैनल्स को यूज़ किया जाता है जो कि घर छतों वगैरह पे रखे जाते हैं, कोई सूटेबल लोकेशन होगी वहाँ रख के प्लेस कर दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाउएवर दे आर वेरी एक्सपेंसिव मेथड फॉर ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर। द पावर ऑफ द विंड इज यूज थ्रू विंड मिल्स। द ब्लेड्स टर्निंग इन द विंड वर्क द टर्बाइंस विच जनरेट पावर। अभी हमारे पास विंड मिल्स की एग्जाम्पल है कि इसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, वो मूव करते हैं और हमारे पास टर्बाइंस रन होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी हमारे पास सोलर पैनल्स हैं कोई भी घर की छत के ऊपर, या कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, या कोई इंडस्ट्री है, उस छत के ऊपर सोलर पैनल्स को प्लेस कर दिया जाता है और उससे सब हमारे पास सोलर एनर्जी ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है दैट इज़ वाटर। अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज सिंस फैक्ट्रीज डैट प्रोड्यूस मेटल्स वुड एंड पेपर प्रोडक्ट्स केमिकल्स पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स एंड मैनी अदर्स आर द मेजर यूजेज ऑफ वाटर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें वाटर जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज प्रोसेसिंग वॉशिंग डायल्यूटिंग कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अ प्रोडक्ट्स एज वेल एज फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। अब वाटर हमारे पास इंडस्ट्रीज में जब यूज़ हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैनुफैक्चरिंग में, तो उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी यूज़ होगा, लाइक प्रोसेसिंग है, वॉशिंग है, डायल्यूटिंग, डिफरेंट तरह के जो प्रोसेस है उसमें भी वाटर को यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज नीड टू बी लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेज और हैव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज कंट्री में प्लेस की जाती हैं, या तो वो पानी के जहाँ पे सोर्सेज हैं उसके बहुत नज़दीक प्लेस की जाएंगी, या जहाँ पे ऐसी जगह प्लेस की जाएंगी जहाँ पे आपको वाटर की रेगुलर सप्लाई मिल रही हो। नेक्स्ट हमारे पास रॉ मटेरियल्स। एनी मटेरियल विच इज़ इन अ नेचुरल स्टेट और इज़ नॉट मैन मेड इज़ कॉल्ड रॉ मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कुदरती तौर पर जो बना हुआ दैट इज़ द रॉ मटेरियल्स। दे कैन बी द प्लांट्स और मिनरल्स। पौधे भी हो सकते हैं या कोई मादनियात भी हो सकती हैं। सम रॉ मिनरल्स सच एज प्लांट्स एंड वुड्स एंड सम टाइप ऑफ द रॉक्स आर फाउंड इन द अर्थ सर्विस। कोई भी डिफरेंट तरह के जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनमें प्लांट्स भी हैं, कोई वुड है हमारे पास, कोई रॉक्स हैं जो अर्थ सर्विस के अंदर मौजूद होती हैं या उस अर्थ सर्विस के ऊपर होंगी या अर्थ सर्विस के अंदर से इसको डक करके भी निकाला जाता है। हाउएवर अंडर द अर्थ सर्विस देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज इन इंडस्ट्री। अर्थ सर्फ के अंदर बहुत सारे मिनरल हैं जिनको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास आयरन कोर की पिक्चर है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर की एग्जांपल्स आपकी बुक पे पेज नंबर 33 में मौजूद हैं। ये हमारे पास पेज 33 की रीडिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में आप पेज नंबर 34 की रीडिंग करेंगे।